हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज हम इस वीडियो में इस बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि जो यहाँ पे पीजीमर का यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, पीजीमर रिक्रूटमेंट टिकट, यानी कि आपको जो यहाँ पे पीजीमर के थ्रू आपके लिए जॉब बता दी गई है। कि यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या लिखा है टाइटल्स में, पीजीमर रिक्रूटमेंट जूनियर इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पे जो 35,000 की सैलरी आपकी हो सकती है, लेटेस्ट जॉब है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो है देख सकते हैं कि स्टार्टिंग डेट्स यहाँ पर लिखा है कि 9/4/2021 को, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते यानी कि अगले मंथ में ये खत्म हो जाएगा, लास्ट डेट है इसका। तो इसका डिटेल्स यानी ऑर्गेनाइजेशन नेम यहाँ पे लिखा है, तो पोस्ट नेम यहाँ पे क्या है, ऑर्गेनाइजेशन नेम यहाँ पे पोस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, इसका फुल फॉर्म है। पोस्ट नेम यहाँ पर देख सकते हैं कि जूनियर इंजीनियरिंग का है। एजुकेशन यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका बी टेक डिप्लोमा आपका जो है होनी चाहिए यहाँ पर लिखा हुआ। एक्सपीरियंस यहाँ पे फ्रेशर के लिए है, तो एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं यहाँ पे। और नंबर ऑफ वैकेंसी 7 की है यहाँ पे। सैलरी आपके 35,000 से लेकर के 1,12,000 तक की सैलरी आपकी हो सकती है। फाइनल ईयर एलिजिबिलिटी यहाँ पे नहीं है। और जॉब लोकेशन यहाँ पे चंडीगढ़ में यहाँ पे आपके लिए जॉब जो है लोकेशन बता दी गई यहाँ पर है। और क्वालिफिकेशन आपकी कितना होनी चाहिए जॉब को यहाँ पे अप्लाई करने के लिए, यहाँ पे मिनिमम 3 ईयर्स का जो डिप्लोमा होता है वो आपका कंप्लीट होना चाहिए। एज लिमिट आपका यहाँ पे होना चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए 18 से लेकर के 30 ईयर्स आपका एज लिमिट होना चाहिए। पोस्ट वाइज यहाँ पे वैकेंसीज देख सकते हैं कि जूनियर इंजीनियरिंग के लिए और जूनियर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल के लिए और सिविल के लिए यहाँ पे बताएगा। तो सिविल के लिए यहाँ पे जो है 3 पोस्टेड और 4 पोस्ट जो है इलेक्ट्रिकल के लिए। सैलरी आपके यहाँ पे जूनियर इंजीनियरिंग का 6 लेवल के लिए यहाँ पे 35,000 से लेकर के 1,12,000 तक की सैलरी आपकी हो सकती है। फिर सेलेक्शन प्रोसेसर कैसे है, आपको सेलेक्ट कैसे किया जाएगा, आपको ऑनलाइन जो यहाँ पे सबमिट करते हैं आप, जो भी यहाँ पे सक्सेसफुल सबमिट कर देता है ऑनलाइन एप्लीकेशन विल अलॉटेड अपेयर, तो वो यहाँ पे अलॉटेड है ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड पे। और सिमिलर एग्जामिनेशन विल बी एज अंडर द पोस्ट ग्रेजुएशन MCQ ग्रुप्स, ओके MCQ नंबर ऑफ MCQs ग्रुप बी के लिए यहाँ पे कंप्यूटर बेस पे टेस्ट आपका जो होगा ड्यूरेशन बता देगा, ओके ड्यूरेशन यहाँ पे 100 मिनट्स। और टोटल मार्क्स यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर बताया गया है मार्क्स यहाँ पे बताया गया है 100 मार्क्स के लिए 100 टाइम्स, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या लिखा है, मिनिमम क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर CBT एंड इंटरव्यू सेपरेटली एंड 40 मार्क्स के लिए आपको यहाँ पे सारी चीज़ें करना पड़ेगा बेस्ट ऑन द, ओके। फिर उसके बाद यहाँ पे आते हैं एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बता दी जाती है कि आपको SC और ST के लिए 800 देना पड़ता है और सभी के लिए 1500 देना पड़ेगा, पर्सनल डिसेबिलिटी के लिए नील, ठीक है। अगर आपको कुछ भी हैंडीकैप वगैरह आप कुछ भी हैं जो भी बच्चे हैं उन लोग के लिए यहाँ पे बताया गया है फ़ीस नहीं लगेंगे, ठीक है एप्लीकेशन फॉर्म के। तो आपको इस तरीके से सारी चीज़ें ये कर लेनी होती है। और मैंने जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दे रखा है उस लिंक को ओपन कर लीजिए, तो आप इस पेज पे ओपन हो जाते हैं, ठीक है। जैसे ओपन कर लेते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट मेडिकल एजुकेशन रिसर्च, यहाँ पर देखिए चंडीगढ़ रिक्रूटमेंट सेल, यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी चीज़ें, यहाँ पर आप सारी चीज़ें पोस्ट ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट मेडिकल यहाँ पे इसके रिलेटेड क्या बताया गया आइटम्स, ओपनिंग डेट फॉर द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर फिलिंग अप ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म पीजीमर वेबसाइट यहाँ पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं। टाइम लाइन से आप जैसे रिमार्क देख सकते हैं कि कौन से डेट को सारी बताई गई है। एज लिमिट यहाँ पे आपको इतना चाहिए, क्वालिफिकेशन कितना होनी चाहिए आपको यहाँ पे 3 ईयर्स का, तो यहाँ पे भी वही चीज़ लिखी हुई है, ठीक है मैं बता रहा था जो। तो एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे लगेंगे कौन से कैटेगरी के लिए, कौन से कैटेगरी के लिए नहीं लगेंगे। इंपॉर्टेंट यहाँ पे बताई गई है कि क्या आपको इंपॉर्टेंट है, ये पीजीमर का ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आपको अप्लाई करने के लिए ओपन करना होगा, क्लिक कर लेना होगा, ये सारी चीज़ बताई गई। तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूसरा लिंक दिया, वहाँ से अप्लाई कर लेंगे, ये वो लिंक है जो आपको यहाँ से अप्लाई करने हैं, ओके ओके। तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या सारी चीज़ें बताई गई यहाँ पर, आप ये पोस्ट ग्रेजुएशन का ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या करनी होगी, ओके यहाँ पर आप ये ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर यहाँ से आपको अप्लाई करना है। अब कैसे अप्लाई करना है, कहाँ पर जाकर, बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर आप कन्फ्यूज़ हो सकते हैं, तो यहाँ पर मैं जैसे बता रहा हूँ वैसा ही आपको फॉलो करना है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, रिक्रूटमेंट यहाँ पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। रिक्रूटमेंट क्लिक करते तो यहाँ पर आपको एक हाईलाइटेड चीज़ दिखेगी, क्या दिखेगी, फर्स्ट पर यहाँ पर ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म इंडियन नेशनल फिलिंग, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकेंड वाला, फिर वैकेंसी नोटिस यहाँ पर देख सकते, सारी चीज़ यहाँ पर बताई गई है, यहाँ पर आप आकर के चेक कर सकते हैं क्या बताई गई है। यहाँ पे देख ले सकते हैं कि जूनियर इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पे आपके लिए यहाँ पे क्लिक कर लेना पहले, तो आप यहाँ पे वैकेंसीज देख सकते हैं, स्टेटस देख सकते हैं कि एक्टिव है यानी कि चालू है अभी। और यहाँ पे टाइटल फाइल यहाँ पे चेक या नोटिस चेक कर सकते हैं, फिर यहाँ पे आप गाइडलाइंस देख सकते हैं कि गाइडलाइंस
को क्या क्या सारी चीज़ें होंगी। यहाँ पर जैसे मैं क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइडलाइंस बताई गई, इंपॉर्टेंट नोटिस सारी चीज़ें बता दी गई यहाँ पर। यहाँ पर एक एक चीज़ देख सकते हैं, यहाँ पर हर गाइड बता दी गई है आपको अच्छे से। फिर यहाँ पर मैं नीचे आता हूँ, ओके, यहाँ पर कुछ बताया था। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं कि ये फिर इंस्ट्रक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स का बताया गया, JPEG फॉर्मेट का आपका होना चाहिए। यहाँ पे बोला कि फोटोग्राफ्स ऐसा आपको जो भी जिस तरीके से बताया गया यहाँ पे आपको पढ़ लेना है, एक एक चीज़ ध्यान से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें, और इस तरीके से। और ठीक है, गाइडलाइंस इतना काफ़ी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फाइल सेकंड यहाँ पे जो है क्लिक है टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म, यहाँ पे क्लिक कर लेने इजी है। जैसे आप क्लिक कर लेते हैं फिर आपस न्यू टैब में बोलते हैं, यहाँ पर आपको क्या करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लेने हैं। ठीक है, क्यों क्लिक करना है, आपका पहले से तो बना नहीं है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। ओके, तो जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसा वैसा कीजिए तो आप ईजिली जो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोडिंग होगा, आपका इंटर्नशिप भी डिपेंड करता है, तो आपका इंटर्नशिप फास्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे हो गया, अब यहाँ पर नोटिस कर लो, ओके, यहाँ पर नोट लिखा हुआ है कि इंटरनल एक्सप्लोजर में यहाँ पर चलेगा किस तरीके से, मोजिला फायरफॉक्स में वर्जन आपका 50 अबो होना चाहिए, 11 वर्जन लो होना चाहिए, जिससे भी आप करना चाहते हैं। जैसे गूगल क्रोम होगा तो 52 वर्जन अबो होना चाहिए, तो यहाँ पर इस तरीके से चेक कर सकते हैं आप काइंडली। जो भी यहाँ पे नोट्स दिए गए, नोटिस दिए गए, तो यहाँ पर क्लोज़ कर लेना पढ़ने के बाद। अब उसके बाद यहाँ पर आप फिल कर दीजिए बस, आप क्या क्या करना है। अब यहाँ पर सारी चीज़ें बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपके पास है वो सारी इन्फॉर्मेशन पूछी गई, यहाँ पर फिल कर लेने हैं। ठीक है, ईजी। उसके बाद यहाँ पर आपको टिक करने हैं, टिक करने हैं, ठीक है, टिक करने हैं। ओके, अब क्या करने हैं, यहाँ पे ये लिखा हुआ है तो F3Q7TFR कैपिटल में, तो कैपिटल लिखिए, स्मॉल में सारे स्लो, ओके, सारे के सारे वर्ड यहाँ पे जो स्लो स्मॉल में दिए गए, तो यहाँ पे वही टाइप करने हैं। फिर यहाँ पे आपको एग्री पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है, तब आपका सबमिट हो जाता है। और सारे डिटेल्स मैंने बता दिए किस तरीके से कैसे चेक करने होते हैं। ओके, गाइडलाइंस भी मैंने बता दिया आपको, ईजी है, आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, आपको कुछ भी डाउट होता है डेफिनेटली कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए इस वीडियो को। अगर ये वीडियो फ्यूचर में ऐसे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच रुचि।